जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पीछे आप फ्रेम में देख सकते हैं हमारे पास है जिमनी। दोस्तों नई नवेली जिमनी अभी लॉन्च हुई है, लेकिन बात आती है, सबने टॉप वेरिएंट की वीडियो बना डाली, लेकिन बात आती है यहाँ पर कि बेस वेरिएंट जो कंपनी कहती है प्राइसिंग स्टार्ट है 12,74,000 से। तो 12,74,000 में आपको मिलता क्या है और कौन सा वेरिएंट मिलता है, उस वेरिएंट के फीचर क्या क्या है, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको 12,74,000 में क्या मिलने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों सामने है मारुति जिमनी का दोस्तों जीटा वेरिएंट, सबसे स्टार्टिंग बेस वेरिएंट है। दोस्तों आपको इस वेरिएंट में कहाँ क्या मिलेगा इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी प्राइसिंग। तो 12,74,000 रुपये कंपनी ने इसका प्राइसिंग रखा है एक्स शोरूम। और अब बात करेंगे इसके थोड़ा डायमेंशंस और इंजन के बारे में। तो दोस्तों इंजन तो आपको 1462 सीसी का फोर सिलेंडर मिलने ही वाला है, 103.39 बीएचपी की पावर, 134.2 न्यूटन मीटर का गाड़ी के अंदर आपको टॉर्क देखने के लिए मिलता है। अभी जो कंपनी ने इसका माइलेज दिया है वो हमें 16.94 किलोमीटर पर लीटर का दिया है पेट्रोल में माइलेज। दोस्तों डीजल में या सीएनजी वगैरह में तो अभी वेरिएंट का कोई सवाल ही नहीं है, तो पेट्रोल में ही आ रहा है, तो पेट्रोल में ये माइलेज मिलेगा आपको। उसके बाद लेंथ की बात करें तो 3985 mm की आपको इसकी लंबाई मिल जाती है, चौड़ाई है दोस्तों 1645 mm की, ऊंचाई की बात करें तो 1720 mm की ऊंचाई मिलती है, और गाड़ी का व्हील बेस है दोस्तों 2590 mm का। तो कुछ इस तरीके के इसके डायमेंशंस मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज दोस्तों इसकी जो ऑफ रोडिंग की यूएसपी है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है, बहुत ही शानदार ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों फ्रंट से कि आपको इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं फ्रंट से। तो दोस्तों आप फ्रंट में आ जाइए सबसे पहले। तो फ्रंट में दोस्तों जैसे टॉप वेरिएंट में आपको मिलती है प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प, लेकिन यहां पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प भी मिलेगी, यहां पर एक छोटा सा ये बल्ब भी देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद टर्न इंडिकेटर आपको यहां पर मिल जाता है, इस वेरिएंट में फॉग लाइट नहीं मिलती। साथ में आपने यहां देखा होगा कि टॉप एंड वेरिएंट में यहां पर हेडलाइट वॉशर मिलता है, तो यहां पर हेडलाइट वॉशर भी कट हो गया है, तो यहां पर हेडलाइट वॉशर नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में। ग्रिल आपको एज इट इज मिल जाती है, सेम टू सेम उसी तरीके की यहां पर क्रोम का यूज हो रहा है, और थोड़ा सा यहां पर ग्रे का टच आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो सेम टू सेम वही टॉप एंड वेरिएंट वाली मिलने वाली है, साइड में टर्न इंडिकेटर यहां पर मिलता था तो यहां पर ही मिल रहा है। उसके बाद साइड ग्लाइडिंग आपको पूरी गाड़ी पर ही देखने के लिए मिल जाती है। साथ में इसके इस गाड़ी के अंदर जो है डोर रुक के सेंसिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको मिलती है यहां पर की, जो मारुति की टिपिकल की आती है, अभी मैं दिखा दूंगा, वही की आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद तो यहाँ पीछे की तरफ मिलता है आपको फ्यूल कैप, तो फ्यूल कैप की कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पर आपको 40 लीटर की देखने के लिए मिलती है। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पर ऑल ग्रिप लिखा हुआ मिल जाएगा 4x4 के लिए। दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने 4x4 हटा के ऑल ग्रिप लगाया है। अब नीचे की तरफ देखिए तो टेल लाइट कुछ ऐसी मिल जाती है, उसी के अंदर आपको ये रिवर्स लाइट और इंडिकेटर टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए तो यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको 4 एज इट इज मिल रहे हैं, जो टॉप एंड वेरियंट में मिलते हैं 1, 2, 3 और 4। उसके बाद नीचे दोस्तों थोड़ी सी लाइटिंग की इशू है, यहाँ पर रिवर्स कार पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो स्पेयर व्हील है वो पीछे इसी तरीके से लटका हुआ मिलेगा जैसे कि आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है। पैसेंजर साइड प्रोफाइल की बात करें तो सेम टू सेम वही मिलने वाली है। एक चीज और, टॉप एंड वेरिएंट में आपको टिंटेड ग्लास मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर टिंटेड नहीं, बेसिक ग्लास ही मिलेगा देखने के लिए। ओआरवीएम की बात करें तो ओआरवीएम दोस्तों साइज वही रहेगा, लेकिन पीछे की तरफ आप जो फिनिश देख रहे हैं वो जो है मैट फिनिश आ जाती है, यहाँ पर जो बॉडी कलर का टेक्स्चर है वो नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। सामने फ्रंट वाइपर वगैरह तो आप देख ही सकते हैं, यही मिलने वाला है। पीछे एक चीज और देख लेते हैं कि डिफॉगर है या नहीं, तो रियर ग्लास के अंदर आपको डिफॉगर भी मिल रहा है, रियर वाइपर भी मिल रहा है, और साथ में दोस्तों ये भी मिल रहा है, ये क्या है, ये वॉशर है दोस्तों। तो रियर ग्लास के लिए वॉशर भी मिल रहा है, ऊपर एक लाइट मिल जाती है, यहां पर एक एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। तो अब देखेंगे अंदर की तरफ क्या मिलेगा, लेकिन उससे पहले करते हैं इसका इंजन बे ओपन, कि इंजन की जो प्लेसमेंट है वो किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी। अरे दोस्त, तो फाइनली आपको इंजन बे देख लीजिए कि कैसा इंजन का प्लेसमेंट आपको कहां पर मिलने वाला है। पूरा दोस्तों भरा भरा लग रहा है, यहां पर थोड़ी सी जगह जो है खाली दिखाई दे रही है हमें, लेकिन दोस्तों इंजन काफी साइलेंट है, बहुत ही
खूबसूरत दोस्तों यहाँ पर डिजाइन किया गया है इंजन को, और जो कैबिन कंपार्टमेंट मतलब इंजन बे कंपार्टमेंट है उसे पूरा भरा भरा रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर इसका हुड देखते हैं तो हुड में अच्छा खासा वजन है दोस्तों। जो मारुति की शिकायत रहती है कि वजन हल्का रखते हैं, उसकी क्वालिटी जो है कम रहती है, लेकिन इस गाड़ी में मुझे लग रहा है वो क्वालिटी और वो कमी जो है दूर हो जाएगी। तो इसे अब कर देते हैं बंद। तो यहाँ पर हुड बंद कर दिया है, अब चलेंगे गाड़ी के अंदर। के अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा देखने के लिए, थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग का इशू है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होने वाली है। उसके बाद देखिए दोस्तों डोर यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से मैट ब्लैक फिनिश में ही मिलने वाला है। डोर हैंडल यहाँ पर, ये ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ भी आपको बॉटल होल्डर वगैरह नहीं मिलता है, ना ही यहाँ पर पावर विंडो के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ सिर्फ आपको एक मैप पॉकेट मिलती है दोस्तों। इस तरह की जो ऑफ रोडिंग व्हीकल होते हैं उनके जो डोर हैं वो इस तरीके से पतले ही रखे जाते हैं। पतले इसलिए रखे जाते हैं कि अगर ड्राइवर यहाँ बैठा है और गाड़ी कहीं फंसती है तो उसे वो व्हील जो है पूरा पूरा दिखाई दे, तो इसलिए ये इस तरीके से रखे जाते हैं। अब अंदर देखते हैं तो अंदर सब कुछ आपको यहाँ पर ब्लैक मिलने वाला है। लाइटिंग का थोड़ा सा इश्यू आ ही रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो थोड़ी लाइटिंग यहाँ भी करके देख लेते हैं। तो अब देखिए इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, पहले सबसे पहले चाबी देख लीजिए। चाबी देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके की आपको मिलने वाली है बेस वेरिएंट में, जो मारुति की टिपिकल की आती है, ठीक है। चाबी को मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है, और उसके बाद चाबी यहाँ पर लगी गई। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आते हैं तो कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑन करके देख लेते हैं दोस्तों कैसा लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों ऑन करने के बाद कुछ ऐसे जगमग हो गया है, ऑरेंज कलर की रोशनी है और थोड़ा सा टिपिकल ऑफ रोडिंग वाला लुक इसमें रखा गया है। यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिल जाएगा, ये स्पीडोमीटर मिल जाता है, कुछ इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलने वाला है कैसे। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारा एक छोटी सी MID मिल जाएगी। और इसे ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर देखिए एक बटन मिल रहा है इस जगह, तो इसे जैसे ही दबाता हूँ तो थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ से देखिए सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये है कुछ इसका सिस्टम। अब स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपको यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए तो स्टीयरिंग पे यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं एज इट इज, यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको दोस्तों 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके से AC वेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। हेजार्ड बटन आपको कुछ कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। वो AC कंट्रोल्स यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिलेंगे। टॉप एंड वेरियंट में ऑटोमेटिक मिलते हैं, यहाँ मैनुअली। उसके बाद सेम ये आपको एज इट इज मिलने वाला है। यहाँ पर जैसे कि ये देखिए, ये ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन विंडो है, ये पैसेंजर साइड विंडो हो गई। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्टेंट मिल जाता है। और नीचे देखें तो नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक ये इस तरीके से ये खींचने वाला टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। उसके बाद चाबी वगैरह, चाबी इसमें तो नहीं रखनी दोस्तों, टॉप एंड वेरिएंट में रखते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मोबाइल अपना खड़ा करके रख सकते हैं, थोड़ा इतना स्पेस है। उसके बाद 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर इधर आ गया, और यहाँ पर आ गया दोस्तों आपका छुटकू वाला गियर। छुटकू मतलब 4-व्हील ड्राइव वाला गियर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। गाड़ी कब 4-व्हील ड्राइव में लगानी है, कब 2-व्हील ड्राइव में लगानी है। उसके बाद पार्किंग ब्रेक कुछ इस तरीके से मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पीछे की जो विंडोज़ हैं उन्हें आगे से ऑपरेट करने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर पीछे की जो विंडो हैं उन्हें लॉक करने के लिए मिल जाता है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। 2 कप होल्डर आपको यहाँ पीछे की तरफ देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो ये है कुछ इस तरीके का। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए कुछ ग्रैब हैंडल एक यहाँ पर मिल जाता है पकड़ने के लिए, 2 पार्ट में दोस्तों। यहाँ पर ये थोड़ा लॉक हो रहा है तो यहाँ जगह कम है, बाकी यहाँ और यहाँ ऐसे पकड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए तो ग्लोव बॉक्स दोस्तों कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। वेरियंट कन्फर्म करें, ये देखिए दोस्तों इसमें आप वेरिएंट देख सकते हैं, जीटा वेरिएंट है, ऑल ग्रिप प्रो 1.5 लीटर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मतलब बेस वेरिएंट दोस्तों लग नहीं रहा है, बेस वेरिएंट है तो सही लेकिन लग नहीं रहा है बेस वेरिएंट, बहुत ही खूबसूरत काम किया है दोस्तों इसमें। उसके बाद एक एयरबैग आपको यहाँ मिल जाता है और एक एयरबैग आपको यहाँ मिल जाता है। गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग मिल जाते हैं। AC वेंट्स कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये है कुछ यहाँ का सेटअप। ऊपर की तरफ देखें तो डे नाइट वाला आपको IRVM देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ड्राइवर साइड में जो सनसेट है दोस्तों उसके अंदर भी आपको वैनिटी मिरर
मिरर मिल जाता है, ऐसे ही पैसेंजर साइड में जो सनसेट है तो उसके अंदर भी आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको ये येलो लाइट मिली जाती है, उसके बाद यहाँ पर माइक के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये है यहाँ का सेटअप फ्रंट का। अब चलते हैं रियर सीट पे, वहां कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो करते हैं रियर डोर को ओपन और यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी फिनिश आपको मिल जाती है देखने के लिए। डोर हैंडल्स कुछ इस तरीके से मिलेगा। टॉप एंड वेरिएंट में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर शाइनिंग और फिनिशिंग ज्यादा मिलती है। उसके बाद पावर विंडो के ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाते हैं। पीछे की जो सीटिंग है, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, और बैठने के लिए दोस्तों दो लोगों के लिए तो कंफर्टेबल है, लेकिन तीन लोगों के लिए दिक्कत होने ही वाली है। यहाँ पर जैसे ही तीन लोग बैठेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि बीच में 4x4 की वजह से दोस्तों यहाँ पर एक शाफ्ट होती है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको जो है कनेक्टेड शाफ्ट मिलेगी, जिसकी वजह से एक हम्प मिलता है, और हम्प की वजह से दोस्तों यहाँ पर पैर रखने में या बैठने में दिक्कत होती है। तो दो लोग तो बहुत कंफर्टेबली आ सकते हैं। उसके बाद सीटिंग पोजीशन जो है ना, आप इसे थोड़ा रिक्लाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से, यहां से उठा के ये देखिए थोड़ा सा रिक्लाइन हो जाता है, ज्यादा तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा ही होता है। उसके बाद लेकिन इसको हेडरेस्ट को जो है दोस्तों काफी ऊंचा करना पड़ेगा। हाँ, अब हेडरेस्ट को ऊंचा करने के बाद ही दोस्तों थोड़ा कंफर्टेबली आता है, वरना हेडरेस्ट शोल्डर्स में लगता है पीछे की तरफ। ठीक है, अब पीछे की तरफ देखते हैं बूट में कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो बूट को ओपन करने के लिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले इस तरीके से, जैसे ही मैं डोर ओपन करूंगा तो ये देखिए बहुत ही शानदार, यहां पर दोस्तों ये अपने आप ऑटोमेटिक खुल रहा है, इस वजह से क्योंकि यहां पर आपको एक शॉकर रॉड मिल जाती है। ये कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। थार में क्या होता है कि उसे पकड़ के खींचना पड़ता है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई इशू नहीं है। आप इसे स्विफ्टली थोड़ा सा ओपन करेंगे और वो ऑटोमेटिक पीछे की तरफ आ जाएगा। स्पेस की बात करें, 210 लीटर का आपको यहाँ पर स्पेस मिलने वाला है, सफिशियंट स्पेस है। अगर ज्यादा स्पेस चाहिए, मतलब दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं और स्पेस ज्यादा चाहिए, लगेज ज्यादा है, तो आप इस तरीके से सीट को डाउन कर सकते हैं ऐसे, और देखिए इस तरीके से इस सीट को ऐसे, तो अरे यार हेडरेस्ट रह गया, तो काफी स्पेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसे खींचने के लिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ अगर ये बेल्ट होती ना तो ज्यादा अच्छा रहता। तो ये इस तरीके से आ जाएगा ऐसे और ऐसे। उसके बाद पीछे की तरफ भी यहाँ पर एक लाइट मिल जाएगी, और इस लाइट को भी ऑन ऑफ करने के लिए कुछ इस तरीके से ये बटन मिल जाता है। यहाँ एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिलेगा कुछ ऐसे, और यहाँ पर काफी सारा आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये है बहुत शानदार। अब पीछे की तरफ देख लीजिए, सही और सफिशियंट आपको स्पेस मिल रहा है, काफी अच्छी दोस्तों यहाँ पर ये गाड़ी मतलब एक नया सेगमेंट जनरेट कर रही है। तो इस तरीके से दोस्तों इसे कर देते हैं बंद। तो ये थी दोस्तों मारुति जिमनी के बेस वेरिएंट की वीडियो। मुझे बेस वेरिएंट नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, कुछ ही चीजें हैं जो बेस वेरिएंट लगती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डोर हैंडल्स वगैरह देख सकते हैं, लेकिन सभी चीजें मुझे इसमें सही लगती हैं। और बेस वेरिएंट के हिसाब से 12,74,000 वैल्यू फॉर मनी है, और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यही होगा। बस इसमें दोस्तों टायर साइज रह गया, टायर साइज और मैं बता देता हूँ, 195/80 की प्रोफाइल के साथ 15 इंच का स्टील रिम मिलता है। लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में क्या होता है ना, यहाँ पे स्टील के बजाय आपको एलॉय व्हील मिलता है, तो अगर आप चाहें तो इसे चेंज करा लीजिए, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक ही टॉप वेरिएंट बन जाएगी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो टॉप एंड वेरिएंट वाला ना हो, थोड़ी बहुत चीजें हैं वो कमी है, बाकी बहुत ही शानदार है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना, और कितने लोग जिमनी लेना चाहते हैं या थार की कंपैरिजन में आपको कैसी लगी तो मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में भी बता दें। एम करते हैं इस वीडियो पे 1000 लाइक का। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।